सो हे क्लासेस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई सबसे पहले तो जय श्री राम। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं कि सीजन जो है एंड हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग मेरे प्रोफाइल को देखिए, उससे मेरा क्या फायदा। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं जून सीजन में बस हमने 5729 ट्रॉफी हिट कर पाए। हालांकि टारगेट लिए थे 6000 का, बट हुआ क्या, बीच में अपडेट आया भाई। तो हम लोग यूज़ कर रहे थे सुपर आर्चर बीम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपडेट के बाद सुपर आर्चर बीम जो है काम नहीं कर रहे अच्छे से, क्योंकि उसके सीसी से ट्रूप्स जो है फटाफट से निकलने लगे अपडेट के बाद, जिसके कारण भाई हम लोगों ने आर्मी को स्विच किया। और बहुत सारे आर्मी मैंने ट्राई किया एंड हालांकि ये वाला आर्मी जो है मुझे फिट बैठ गया एंड अच्छा भी लग रहा है, यूज़ करने में मज़ा आ रहा है भाई एकदम। तो यहाँ पर आर्मी देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। इस आर्मी का नाम है भाई क्वीन चार्ज हाइब्रिड, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई। एंड टाउन हॉल 13 से मैं ये हाइब्रिड आर्मी यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा मेरे पे कमांड है, थोड़ा सा क्वीन चार्ज पे आइडिया है। आप लोग भी सीख जाओगे, बस आप लोग देखते रहो वीडियो को और साथ ही में भाई डिस्कस भी करेंगे कहाँ से क्वीन ड्रॉप होगा, आर्मी किस तरह से ड्रॉप करेंगे भाई। तो सब कुछ बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे। और हालांकि इसके ऊपर हमने एक गाइड वीडियो भी बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप लोग इस वीडियो के एंड में आप लोग देख सकते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ हम लोग पुशिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बंदे चैनल पर न्यू हैं चैनल को जाके आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और भाई वीडियो पर एक लाइक करना है भाई। तो भाई आइए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो भाई अभी अभी जस्ट सीजन एंड हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेंडली चैलेंज में अटैक करेंगे, उसके बाद भाई हम लोग लेजेंड अटैक को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भाई इस वाले बेस में हमने देख सकते हैं कि क्वीन को जो है इधर से ड्रॉप किया। रीज़न मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग पहले देखें तो कुछ जून्स को ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक एयरमाइंस है वो ट्रिगर आउट हो रहे हैं, और ताकि जो है हमारे हीवर्स को ना लगे तो क्वीन जो है अच्छे से चार्ज हो पाएगी। तो यहाँ से रीज़न है चार्ज करवाने का, हम लोग टारगेट भी है भाई कि क्वीन जो है टाउन हॉल निकाल के दे दे, बाकी भाई हाइब्रिड आर्मी जो है हमारी वो बाकी के काम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने और एक वॉल ब्रेकर को डाला, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक एयरमाइन जो है धड़ाधड़ ट्रिगर आउट हो रहे हैं और बेबी ड्रैगन हमारा मर चुका है। तो यहाँ से एक हेड हंटर को ड्रॉप किया, हालांकि हेड हंटर ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया तो हमने यहाँ पर रेज करना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं वॉल से हमने वॉल ब्रेकर से ओपन कर दिया है वॉल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट से सीज बैरक्स और किंग को ड्रॉप करेंगे, इधर फनल क्रिएट हो जाएगा। तो इधर से अब हम लोग माइनस को भी चालू कर देते हैं क्योंकि क्वीन जो है बाहर के साइड में निकल रही है। क्वीन को हम लोग को भेजना है भाई टाउन हॉल के पास। तो इस तरह से अगर आप लोगों को होता है तो क्वीन को भेजने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप लोग समझ जाओ इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सुपर मिनियंस निकल रहे हैं ओपोनेंट के सीसी में से, तो हमने पॉइजन कर दिया और इधर हमने फ्रीज कर दिया है सिंगल इन्फर्नो को, ताकि जो है हमारी क्वीन की एबिलिटी बची हुई रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सीज बैरक्स में से हॉग राइडर्स निकल चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी को टैप कर देंगे कुछ इस तरह से। और अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं टाउन हॉल को हिट कर रही है क्वीन, तो यहाँ पर हम लोग एक फ्रीज इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि जो है हीवर जो है डैमेज हो रहे थे। और यहाँ पर हमने हील स्पेल को डाल दिया भाई, आखिरी हील स्पेल बचा हुआ था। और टाउन हॉल जो आराम से टेकडाउन हो चुका है, तो हम लोग हाइब्रिड आर्मी पे हम लोग रिज स्पेल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वीन जो है अच्छा काम कर रही है, इधर हाइब्रिड आर्मी भी भाई बेस को फटाफट से टेकडाउन कर रही है, बहुत अच्छे भाई। और इधर नीचे के साइड में देखते हैं तो किंग भी अच्छा काम कर रहा है, इधर के बिल्डिंग्स को डाउन कर दिया है। ओके सही है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, आरसी की एबिलिटी को टैप कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर अब जो है क्वीन एक्सबो को निकाल के दे दी, अब जो है हमारे पास क्वीन ऑफ ट्रूथ बचे हुए हैं जो कि मैं फटाफट से डाल देता हूँ। और यहाँ पर क्वीन अप करने की कोशिश करते हैं, एक जाइंट है इधर पीछे से, दो भाई विजार्ड को यूज़ कर दिए। ये दो विजार्ड्स और जाइंट मैं क्यों लेके आया हूँ, कभी कभी जो है क्वीन अगर डायरेक्शन देने के लिए है, फनलिंग करने के लिए है, तो हालाँकि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस आर्मी का। और अब जो है हम लोग फटाफट से चलते हैं भाई लेजेंड अटैक्स करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंडली चैलेंज तो बहुत ही इजी से भाई 3 स्टार हो गया ये वाला बेस। उम्मीद करते हैं भाई इस तरह से लेजेंड अटैक्स भी 3 स्टार होते रहें। तो भाई ये रहा सबसे पहला बेस हम लोग को मिल चुका है। तो भाई इस वाले बेस में सबसे पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम लोग क्वीन चार्ज किधर से करवाएं, ईगल के साइड से जाएँ या फिर टाउन हॉल के साइड से जाएँ। हाँ ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो भाई ज़्यादातर आप लोग ट्राई करो कि टाउन हॉल निकल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा भाई, नहीं तो उसका पॉइजन टावर जो निकलता है टाउन हॉल में से वो भी थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पर पहले क्वीन को तो अंदर जाने देते हैं एंड अब जो है हम लोग अपनी क्वीन को यहाँ पर अब ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप कर दिया मैंने, कुछ रूल्स ड्रॉप कर देते हैं ताकि जो ब्लैक एयरमाइंस ट्रिगर आउट हो जाए। यहाँ पर पीछे से हीवर्स को लगा दिए और यहाँ पर एक हेड हंटर को भी ड्रॉप कर दिया। ये देखिए भाई डाउन हो चुकी है क्वीन, वॉल ब्रेकर को डाला, वॉल ओपन हो चुका है, थोड़ा सा वेट कर दिया और एक वॉल ब्रेकर को डाला। ये क्वीन जो है अब अंदर एंट्री मार चुकी है, तो एक हेड हंटर को ड्रॉप करते हैं और ये हेड हंटर जो है ये गया भाई, ख़त्म, हेड हंटर भी ख़त्म हो गया। बट यहाँ पर क्वीन जो है
ठीक है, रेंज के अंदर है तो आराम से भाई ओपोनेंट का किंग को डाउन करते तो सही रहेगा। यहाँ पर अब जो है हिट कर रही है क्वीन अब टाउन हॉल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर इनविजिबल टावर जो है एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पर और एक रेज डालते हैं। ओपोनेंट का किंग भी आ चुका है। ओके, तो इनविजिबल टावर का पावर खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर और एक वॉल ब्रेकर डाल देता हूँ। और ये देखिए भाई, वॉल जो है सही से ओपन नहीं हो पाया। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ रूम्स को ड्रॉप कर दिया। ये देखिए ब्लैक एयर मैच ट्रिगर आउट हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हाइब्रिड को स्टार्ट कर देते हैं। तो सीज बैरक्स को डाल दिया, किंग को डाल दिया, पीछे से भाई इधर से माइनस को ड्रॉप कर देते। ओके, तो यहाँ पर क्वीन जो है काफ़ी ज़्यादा भाई डैमेज झेल रही है, तो हम लोग यहाँ पर एक रेज डाल दिए भाई और क्वीन की एबिलिटी को टैप कर दिए, ताकि जो है हमारी क्वीन की एबिलिटी वेस्ट ना हो जाए, नहीं तो इसीलिए हमने टैप कर दिया खुद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइब्रिड आर्मी को हमने पूरी की पूरी आर्मी को ड्रॉप कर दिया। पीछे से भाई यहाँ पर रॉयल चैंपियन को सपोर्ट किया उतारा, साथ ही में हमने ओपोनेंट के सीसी में लूंस निकल रहे हैं तो हमने इसको पॉइजन कर दिया है। अब जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग वार्डन की एबिलिटी को कुछ इस तरह से टैप कर देंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डैमेज आ रहा था तो हमने टैप कर दिया है। तो अभी भी हमारे पास एक हील स्पेल प्लस यहाँ पर फ्रीज स्पेल और एक इनविजिबल बचा हुआ है, तो यहाँ पर हील स्पेल को डाल दिया और थोड़ा सा यहाँ पर फ्रीज करते हैं। ओके, तो अभी तक भाई टाउन ईगल लॉटरी डाउन नहीं हुआ है, ईगल लॉटरी पता नहीं कब डाउन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर किंग इधर है, ठीक है। चलो क्वीन भी वॉक करिए, तो इधर से कुछ फनलिंग ट्रूप्स को डाल देते हैं, मतलब क्यू एन एफ ट्रूप्स को डाल देते हैं, क्यू एन एफ हो जाएगा। ओके भाई, ये देखिए भाई आराम से भाई हॉग राइडर्स और माइनस ने ईगल लॉटरी निकाल के दे दिया। अभी भी भाई आरसी की एबिलिटी बची हुई है, साथ ही में भाई एक इनविजिबल स्पेल भी बच गया है। ओपी तरीके से भाई ये बेस जो है 3 स्टार हो चुका है। आइए कुछ और बेसेस को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड बेस आ चुका है हमारे सामने और आइसलैंड बेस है। चलो ठीक है, तो इस वाले बेस में हम लोग क्वीन चार्ज को इधर के साइड से करवाएंगे। रीज़न बताते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जाइंट और एक विजार्ड को ड्रॉप किया। मैं चाहता हूँ भाई क्वीन जो है इधर वाले कंपार्टमेंट में ओपन दे जहाँ पर आरसी है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर हमने हीलर्स को ड्रॉप किया, पीछे से भाई यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन को भी ड्रॉप कर दिया, ताकि क्वीन जो है आरसी वाले कंपार्टमेंट में चली जाए। तो यहाँ पर कुछ और रूम्स को मैंने ड्रॉप किया, अगर ब्लैक एयरमाइन होगा तो ट्रिगर आउट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि क्वीन जो है एंट्री मार चुकी है, तो हम लोग एक रेज कर देते हैं क्योंकि एक्सपो ने भी पकड़ लिया है। और यहाँ पर ये देखिए भाई आरसी की मतलब क्वीन की एबिलिटी जो है टैप हो चुकी है। चलो यहाँ पर सीसी निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइजन करते हैं भाई। ओके, तो सीसी में एक विच है और गोलम भी है, और ओके तो विच और गोलम है, ठीक है। तो अब हम लोग इधर से क्या करेंगे, हाइब्रिड आर्मी को स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल इन्फर्नो प्लस मोनोलिथ है भाई और ईगल बैटरी। तो ईगल बैटरी भाई डाउन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए भाई हमने इधर से आर्मी को ड्रॉप किया। और क्वीन को हम लोग चाहते तो इधर से चार्ज करवा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ता क्योंकि यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो प्लस मोनोलिथ भी है और वार्डन स्टैचू भी था, तो मतलब फ्रिज वगैरह वेस्ट होते ज़्यादा। तो इसीलिए भाई आराम से हम लोग अटैक करना चाहते थे, और इसीलिए हमने क्वीन को इधर 3 o'clock के साइड से भेज दिया। यहाँ पर सबसे पहले हमने हील स्पेल को डाला, और इस आर्मी में आप लोग को रॉयल चैंपियन के साथ मतलब रॉयल चैंपियन को भी उतारना पड़ता है आर्मी के साथ ही। यहाँ पर जो है इनविजिबल टावर है, तो हम लोग फ्रीज नहीं करेंगे, इनविजिबल होने देंगे क्योंकि बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वार्डन की एबिलिटी को टैप कर दिया है और यहाँ पर जो है टाउन हॉल इनविजिबल हो चुका है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फ्रीज स्पेल करते हैं टाउन हॉल को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे आर्मी को डैमेज दे रहा है। और यहाँ पर हील स्पेल डाल दिया मैंने क्योंकि इस पूरी के पूरी आर्मी जो है टाउन हॉल के पास ही है। और यहाँ से हमने हेड हंटर्स को ड्रॉप किया, साथ ही में क्वीन को जो है चार्ज कर दिया। ये देखिए भाई ओपोनेंट का किंग जो है आराम से टेक डाउन हो चुका है। यहाँ पर बस एक सिंगल इन्फर्नो टावर बचा हुआ है जो कि अब ओके तो क्वीन को ही डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो सिंगल इन्फर्नो पकड़ ना ले भाई, तो हमारे पास इनविजिबल है, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, देख कर तो नहीं लग रहा है भाई कि इनविजिबल का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा क्वीन अप प्रोसेस बचे हुए हैं, काफ़ी भाई गोल्ड स्टोरेज एंड एलिक्सर स्टोरेज बचे हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ओहो, यहाँ पर भाई टॉर्नेडो निकल चुका है, एक तो ऐसे ही कम टाइम है भाई, 40 सेकंड बचे हुए हैं और ऊपर से ये सब नौटंकी हो रहा है। चलो भाई, अगर 3 स्टार नहीं हुआ भाई मारूंगा भाई, वो दौड़ा दौड़ा के भाई सबको मारूंगा भी। तो यहाँ पर चलो भाई जल्दी, वार्डन क्या कर रहे हो भाई। ओके, तो वार्डन ने भाई काफ़ी बेहतरीन मूव लिया और यहाँ पर गोल्ड स्टोरेज काफ़ी लो हेल्थ में था डाउन कर दिया भाई। और यहाँ पर बस एक एलिक्सर स्टोरेज बचा हुआ है और टाइम भी भाई बहुत ही अच्छा खासा बचा हुआ है। देखा भाई, ऐसा ही डर बना के रखना पड़ता है हीरोज़ को, तब जाके भाई इनको अकल आती है। चलो भाई साहब, ये बेस भी हो चुका है 3 स्टार, आइए कुछ और बेसेस देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर, ओ भाई रिंग बेस,
बड़ा ही डेंजर या मनुष बेस लगता है भाई। हालांकि क्वीन चार्ज है, ऊपर से भाई रिंग बेस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला लग रहा है। तो भाई इधर से हमने स्टार्ट कर दिया है क्वीन चार्ज। इधर भाई ड्रॉप करते हैं वॉल ब्रेकर को, यहाँ पर वॉल ओपन हो चुका है। कुछ रूम्स को ड्रॉप करते हैं, इधर से फनल क्रिएट करते हैं। हम लोग क्वीन को जो है उधर, अरे भाई किधर जा रही है क्वीन, उधर जाओ यार। हाँ चलो अब सही जा रही है भाई क्वीन। यहाँ पर एक रेज कर देता हूँ, नहीं तो ये आरसी जो है हमारी क्वीन की हेल्थ जो है काफ़ी स्पीड में डाउन कर रही थी। और इधर से हमने और एक वॉल ब्रेकर डाल दिया। ओके तो सीसी में कुछ नहीं है, चलो सही है हम लोग के लिए। तो इधर से अब फटाफट से भाई हम लोग ड्रॉप कर दिए हैं सीज बैरक्स और किंग को। यहाँ पर ये भाई दिक्कत दे रहा है मोनोलिथ, तो यहाँ पर और एक रेज कर देते हैं। ओके तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्वीन जो है ज़्यादा डैमेज खा रही है। तो यहाँ पर एक इनविजिबल डाल दिया हमने और यहाँ से मोनोलिथ से बचा लिया। तो अब जो है हम लोग इधर से हाइब्रिड आर्मी को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वार्डन आ गया, ये देखिए भाई रॉयल चैंपियन भी आ चुकी है। यहाँ पर अब जो है टैप कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डैमेज आ रहा है हमारी क्वीन को। और बेस में भाई क्वीन चार्ज अगर बची हुई रही तो भाई बेस को 3 स्टार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर सबसे पहला हिल स्पर डाला और एक रेज हमने यूज़ कर दिया भाई, ताकि जो यहाँ पर देख सकते हैं क्वीन आराम से भाई टेक डाउन कर दे। तो यहाँ पर एक फ्रीज स्पर का भी इस्तेमाल किया, सारे स्प्लैश डैमेज को भाई फ्रीज किया एक ही फ्रीज में। और यहाँ पर जो है अभी भी हमारे पास एक हिल स्पर बचा हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ओके चलो यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, सही है। यहाँ पर ओपोनेंट की क्वीन पे हमने पॉइजन कर दिया, क्योंकि हमारे ओपोनेंट की सीसी में कुछ नहीं था, तो यहाँ पर पॉइजन का यूज़ कर दिया। हेड एंडर्स भी थे हमारे पास, ऐसे कोई बात नहीं है, चलो सही जा रहा है अभी तक। यहाँ पर अब जो है हम लोग इधर से क्लीन अप प्रोसेस भी चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर विजार्ड्स वगैरह डाल देता हूँ, और यहाँ पर एक जाइंट वगैरह भी है हमारे पास। तो जाइंट को कहाँ डालूँ, ये अर्चर टावर पे डाल देता हूँ, तो कि थोड़ा सा अर्चर टावर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। चलो अभी भी हमारे पास आरसी की एबिलिटी बची हुई है। और भाई बेस देख सकते हैं, बस लेना प्रोसेस बचा हुआ। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई ये आर्मी, आप लोग भी इसे यूज़ करें। तो आइए अब एक लास्ट अटैक करते हैं एंड उसके बाद भाई वीडियो को अंत कर देंगे, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो भाई साहब ये रहा भाई, ये लो भाई और एक रिंग बेस। भाई रिंग बेस से परेशान हो गया, चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई तो अटैक को इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वीन चार्ज हम लोग इधर से करवा रहे हैं, तो रीज़न बताते हैं भाई। रीज़न जो है इधर मल्टी टारगेट इन्फर्नो निकल सकता है, और अगर सीसी वगैरह होगा तो वो भी टेकडाउन हो जाएगा। तो इसीलिए भाई हमने इधर से क्वीन चार्ज को स्टार्ट कर दिया। ये बॉम्ब टावर को जो है आराम से टेकडाउन हो जाएगा। कुछ रूम्स को ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि जो है ब्लैक एयरमाइंस वगैरह ट्रिगर आउट हो जाए। और यहाँ पर वॉल ब्रेकर जो है, पहला वॉल ब्रेकर फेल हो चुका है, सेकंड वॉल ब्रेकर डाला और यहाँ पर ये जो है वॉल ओपन हो चुका है। एक रेज करते हैं, क्योंकि ओपोनेंट की क्वीन जो है डैमेज दे रही थी हमारी क्वीन को। ओहो ओके तो अब जो है क्वीन सही डायरेक्शन में चली गई है। तो यहाँ पर एक हेड हंटर को ड्रॉप करते हैं, ये ओपोनेंट का किंग जो है आराम से भाई टेक डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर से ओके यहाँ पर देख सकते हैं कि सीसी में भाई यहाँ पर हेड हंटर प्लस यहाँ पर लावा हुंड और एक विच निकला है। थोड़ा सा वेट करते हैं, चलो सही जा रहा है। यहाँ पर अभी रेज नहीं करेंगे, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे सीज बैरक्स और किंग को तब तक ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए लावा हुंड जो है फूट चुका है, थोड़ा सा वेट कर देते हैं। और इधर से हम लोग माइनर को स्टार्ट कर दिया भाई डालना, पीछे से हॉग राइडर्स, ये हमारा ग्रैंड वार्डन ग्राउंड पे। पीछे से भाई हम लोग रॉयल चैम्पियन को भी ड्रॉप कर देंगे। ओके चलो यहाँ से ड्रॉप कर दिया। और अब जो है क्वीन इस मल्टी टारगेट इन्फर्नो पे स्विच हो चुकी है। यहाँ पर रेज कर देता हूँ, ताकि जो है फटाफट से टेकडाउन कर दी। ठीक जा रहा अभी तक अटैक। यहाँ पर सबसे पहला हेवी स्पेल डाल दिया मैंने, स्कैटर को करते हैं फ्रीज। और यहाँ पर और एक वॉल ब्रेकर को मैंने डाल दिया। सीज बैरक्स में से हॉग राइडर्स निकल के आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और यहाँ पर टाउन हॉल एक्टिवेट होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी को टैप कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर इनविजिबल हो चुका है, देखते हैं फ्रीज स्पेल लगेगा क्या। ओके फ्रीज एक कर देते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर हिल स्पेल डाल दिया, साथ ही में भाई रेज स्पेल भी हमने डाल दिया आर्मी के ऊपर, क्योंकि क्वीन को डालने का कोई फ़ायदा नहीं। सारे अब जो डिफेंसेस है हेवी डिफेंसेस इधर ही की साइड में है, तो इसे भी हमने यहाँ पर रेज कर दिया है आर्मी के ऊपर। और अब जो है फटाफट से भाई आर्मी पूरी टेक डाउन कर रही है एक्सपोज को। और अभी भी हमारे पास यहाँ पर इनविजिबल स्पेल भी बचा हुआ है, साथ ही में हीरोज़ के एबिलिटीज़ भी बचे हुए हैं। और बेस का हालत आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ओपी तरीके से भाई ये बेस जो है 3 स्टार हो चुका है। तो आइए अब देखते हैं भाई कितना प्लस हुआ हम लोग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अभी सिर्फ 5 ही अटैक्स किए हैं, और यहाँ पर उसमें से 4 अटैक्स भाई 3 स्टार हो गए,
और एक ही अटैक जो है 78% हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो तीन यहाँ पर मिस्टेक हुआ, नहीं तो भाई ये भी 3 स्टार हो जाता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिफेंस में देख सकते हैं कि ओपोनेंट में भी भाई 5 अटैक्स कर दिए और हम लोग अभी भी भाई प्लस 93 ट्रॉफीज के साथ चल रहे हैं और अभी भी भाई 3 अटैक्स बचे हुए। तो भाई आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे भाई इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद।